अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लैंग्वेज प्लस लिटरेचर। आज की वीडियो के अंदर हम हेनरिक इब्सन का एक बहुत ही मशहूर प्ले हाइडा गैबलर को डिस्कस करने जा रहे हैं। इस वीडियो के अंदर हम इसकी करेक्टर लिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसकी समरी, प्लॉट और राइटर का जो लाइफ स्केच है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और प्ले का जो प्लॉट है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए, आप टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। हाइडा गैबलर। हाइडा इज द डॉटर ऑफ फेमस जनरल गैबलर। एज अ चाइल्ड शी वॉज यूज टू लग्जरीज एंड हाई क्लास लिविंग। एज द प्ले बिगन्स शी इज रिटर्निंग फ्रॉम हर हनीमून विद जॉर्ज टेस्टमैन, अ स्कॉलर विद अ गुड प्रोस्पेक्ट्स बट नॉट एज मच मनी एज हाइडा इज अकस्टम टू। Her married name is Hedda Tessman. Hedda is an intelligent, unpredictable and somewhat dishonest young woman who is not afraid of manipulate her husband and friends. प्ले के अंदर देखते हैं कि हेडा जोनसी है वो जनरल गैबलर की बेटी है, जो कि बहुत ज़्यादा ऐशो इशरत के अंदर इसका बचपन गुजरा है, हाई क्लास सोसाइटी की एक मेंबर है। और प्ले के शुरुआत में हम देखते हैं कि अपने हस्बैंड जॉर्ज टेस्मन के साथ ये हनीमून से वापस आती है। और जॉर्ज टेस्मन कौन है जी? एक अच्छा स्कॉलर है जिसके फ्यूचर के बारे में अच्छी की जाती है, लेकिन इतने पैसे कमा नहीं पाता जितने के हेडा एक्सपेक्ट कर रही होती है और जितने हेडा के यूज़ में आते हैं। हेडा का मैरिड नेम हेडा टेस्मन था, लेकिन उसने अपने नाम को चेंज नहीं किया था, सर नेम को चेंज नहीं किया था। अनप्रिडिक्टेबल थी, इंटेलिजेंट थी और किसी हद तक डिसऑनेस्ट भी थी। और ये अपने हस्बैंड के साथ, अपने फ्रेंड के साथ मैनिपुलेट करती है। जो सेकंड करेक्टर है वो जॉर्ज टेस्मन का है। टेस्मन इज़ एन एमिएबल इंटेलिजेंट यंग स्कॉलर। ही ट्राइज वेरी हार्ड टू प्लीज हिज यंग वाइफ हेडा एंड ऑफन डज नॉट रियलाइज डैट शी इज़ मैनिपुलेटिंग हिम। एट द बिगनिंग ऑफ द प्ले इट सीम्स डैट हिज वन ग्रेट राइवल एलर्ड लॉबर्ट टेरियस अल्कोहलिक नो लॉन्गर स्टैंड इन टेस्मन वे। टेस्मन वॉज रेस्ड बाई हिज आंट जोजो। जॉर्ज टेस्मन एक फ्रेंडली नेचर, इंटेलिजेंट और यंग स्कॉलर है, जो कि अपनी वाइफ हेडा को खुश रखने की बहुत कोशिश करता है। और समटाइम जो उसकी वाइफ मैनिपुलेट उसको कर रही होती है वो इसको समझ नहीं पाता। और प्ले के स्टार में हम देखते हैं कि उसका एक ग्रेट राइवल है, जो रकीब है उसका, उसका नाम है आइलर्ड लॉबर्ग, जो कि एक बदनाम किस्म का शराब पीने वाला बंदा होता है। और टेस्मन की जो परवरिश होती है उसकी आंट जोजो ने की होती है। नेक्स्ट करेक्टर इज जज ब्रेक। Brake is a judge of relatively inferior rank and he is a friend of both Tessman and Hedda and he visits their house regularly. He has connection around the city and he is often the first person to give Tessman information about the alteration in the possibility of his. He seems to enjoy the meddling in the other people's affair. He is worldly and cynical man. जज ब्रेक जिनसे है वो अदना किस्म का एक जज होता है, जो कि टेस्मन और हेडा दोनों का फ्रेंड होता है, अक्सर उनके घर भी आता है और इसके कनेक्शन शहर में बहुत ज़्यादा होते हैं। वो फर्स्ट पर्सन होता है जो कि टेस्मन को अपने प्रोफेशनशिप में तब्दीली के बारे में इन्फॉर्म करता रहता है और दूसरों के मामलों में बिला ज़रूरत टांग अड़ाता रहता है। डिसट्रस्टफुल पर्सन होता है। नेक्स्ट जो करेक्टर है वो एलर्ट लॉबर्ग का है। अ जीनियस एलर्ट लॉबर्ग अ टेस्मन बिगेस्ट कंपिटेटर इन एकेडमिक वर्ल्ड। आफ्टर अ सीरीज ऑफ स्कैंडल रिलेटेड टू ड्रिंकिंग ही वॉज वन अ पब्लिक आउटकास्ट एंड ही वॉज नो रिटर्न टू द सिटी एंड ही हैज पब्लिश्ड अ बुक टू रेव रिव्यूज। ही ऑल्सो हैज अनदर मैन्यूस्क्रिप्ट डेट इज इवन मोर। मिस्टर एल्वेस्टेड हेल्प्ड हिम विद बोथ मैन्यूस्क्रिप्ट। He once shared a close relationship with Hedda. के एलर्ट लॉबर्ग एक शराब पीने वाला करेक्टर है, जो कि हेडा के साथ इसका रिलेशन भी रह चुका है। और ये टेस्मन का सबसे ज़्यादा बिगेस्ट कंपिटिटर है, क्योंकि ये शराब बहुत ज़्यादा पीता था। इस वजह से सोसाइटी से बहुत दफ़ा रिजेक्ट होने के बाद अब शहर में दोबारा आता है, और जिसमें वो दो मैन्यूस्क्रिप्ट बताता है जो कि वो लिख रहा होता है, जिसके अंदर उसकी वाइफ मिसिस एल्वेस्टेड उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। पहले ये हेडा का एक बहुत अच्छा दोस्त भी रह चुका है। नेक्स्ट करेक्टर इज़ जूलियन टेस्मन। जूलियन टेस्मन और जिसे प्ले के अंदर आंट जोजो भी कहा गया है, इज़ द आंट ऑफ जॉर्ज टेस्मन। आफ्टर टेस्मन्स पेरेंट डाई आंट जोजो रेस्ड हिम। शी इज़ वेल मीनिंग एंड ही इज़ कॉन्स्टेंटली हिंटिंग डैट टेस्मन एंड हेडा शुड हैव अ बेबी। आंट जोजो ट्राइज टू गेट अलॉन्ग विद द हेडा बट द डिफरेंस इन देयर क्लास बैकग्राउंड इन पेनफुली अपीयरेंट।
aunt Jojo lives with the ailing aunt Rena and other aunt of Tasman's. जोलियन टेस्मन को आंट जोजो भी प्ले के अंदर कहा गया है और जो के जॉर्ज की परवरिश करती हैं जब उसके पेरेंट्स मर जाते हैं तो वो इसके बाद आंट जोजो उसकी परवरिश करती हैं या अपनी एक सिस्टर के साथ रायना के साथ रहती हैं जो कि अक्सर बीमार रहती हैं और ये अक्सर जो उनसे जॉर्ज को हिंट कर रही होती हैं कि उसका और हैडा का एक बेबी ज़रूर होना चाहिए और अक्सर वो कोशिश करती हैं कि हैडा के साथ वो अकेले में टाइम स्पेंड करें लेकिन उनके डिफरेंट क्लास बैकग्राउंड होने की वजह से अक्सर ये जो उनसे ना वो हैडा इसको ताने वगैरह भी मारती रहती है। नेक्स्ट जो माइनर करेक्टर्स के अंदर आता है बर्था का करेक्टर आता है। बर्था इज़ अ जॉर्ज एंड हैडा टेस्मन सर्वेंट। फॉर्मली शी वॉज द सर्वेंट इन जूलियन टेस्मन्स हाउस होल्ड। She tries very hard to please Hedda, her new mistress, but Hedda is quite dissatisfied with her. Bertha जो उनसे जॉर्ज और हैडा की सर्वेंट होती है, पहले ये आंट जोजो के लिए काम कर रही होती है, फिर इसके बाद वो हैडा की तरफ आती है और हैडा के लिए काम करती है जो कि उसकी नई मालकन होती है और हैडा को खुश करने की बहुत कोशिश करती है लेकिन हैडा उसके साथ कभी भी सेटिस्फाई नहीं होती। और लास्ट जो माइनर करेक्टर है आंट रायना का है। Aunt Raina is dying at the start of the play. She never appears on set. She helped Aunt Jojo raise Tasman. आंट जोजो पूरे प्ले के अंदर स्टेज पे अपीयर तो नहीं होती लेकिन उनका बताया गया है कि वो हमेशा बीमार रहती हैं और उन्होंने अपनी सिस्टर जोजो के साथ मिलकर टेस्मन की परवरिश में बहुत ज़्यादा हेल्प की है। जो लास्ट करेक्टर है मिसिस एल्वेस्टेड का। मिसिस एल्वेस्टेड इज़ अ मीक बट पैशनेट वुमेन। शी एंड हर हस्बैंड हायर्ड एलर्ट लवबर्ग एज अ टीचर टू देयर चिल्ड्रन एंड मिसिस एल्वेस्टेड ग्रू अटैच टू एलर्ट एक्टिंग एज हिज पर्सनल सेक्रेटरी एंड एडिंग हिम इन हिज रिसर्च एंड राइटिंग। व्हेन एलर्ट लीव्स हर स्टेट टू रिटर्न टू द सिटी मिसिस एल्वेस्टेड कम टू द टाउन एंड गोज टू टेस्मन फॉर हेल्प। फेयरिंग एलर्ट विल रिटर्न टू द अल्कोहलिज्म। मिसिस एल्वेस्टेड वेंट टू स्कूल विद हैडा एंड रिमेंबर्स बींग ट्रेमेंडोस बाय हर। मिसिस जो एल्वेस्टेड होती हैं वो नरम मिजाज औरत होती हैं लेकिन पैशनेट वूमन होती हैं। अपने हस्बैंड के साथ मिलकर जो बच्चों के लिए एक टीचर हायर करती हैं जो कि लवबर्ग होता है उसके साथ फिर फाइनली इनके साथ अफेयर चलता है और अटैचमेंट हो जाती हैं दोनों की। फिर बाद में ये शादी भी कर लेते हैं और जब इसको छोड़ के लवबर्ग इसको छोड़ के जाता है तो ये मिसिस एल्वेस्टेड उसके पीछे जाती हैं। उनको ये डर होता है कि ये दोबारा से कहीं शराब पीने ना लग जाए और मिसिस एल्वेस्टेड स्कूल में भी जाती हैं हैडा के साथ क्योंकि ये इसकी क्लास फेलो होती हैं और हैडा के साथ जब स्कूल में जाती हैं तो उनको फिर सारा याद आ रहा होता है कि किस तरह से जो हैडा थी वो इनको टॉर्चर किया करती थी।